नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आज हम प्राइम टाइम में बात करने वाले हैं मोदी की हार की समीक्षा पर। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की उपचुनावों में जो हार हुई है, बीजेपी की हार हम उसे कह सकते हैं, तो उसके कारण क्या क्या रहे हैं, ऐसे कौन से कारण थे जहां पर बीजेपी, जिस मोदी लहर की लगातार बात कर रही थी, उस मोदी लहर को भुनाने में बीजेपी नाकामयाब रही। क्या कहते हैं उपचुनाव के नतीजे? 9 राज्यों की 33 सीटों के नतीजों का क्या है सबक? 4 महीने में ही बीजेपी को इतनी बड़ी हार कैसे? यूपी में मुलायम के अच्छे दिन कैसे आए? योगी आदित्यनाथ का उग्र हिंदुत्व क्यों नहीं चला? राजस्थान में वसुंधरा राजे को झटका क्यों लगा? क्या उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं का अति विश्वास ले डूबा? ये मोदी की हार है या बीजेपी की? उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार ने पीएम नरेंद्र मोदी के 64वें जन्मदिन का जश्न भी फीका कर दिया। मोदी के खास सिपहसालार अमित शाह की रणनीति इस बार काम नहीं आई। जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें थी वहां तो बीजेपी फिसली, पर अपने राज्यों में भी उसे जीत हासिल नहीं हुई। उपचुनाव के परिणाम को मई में सत्ता संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। ये इसलिए भी अहम है कि बीजेपी अगले महीने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावों के लिए तैयारी कर रही है और पिछले 2 उपचुनावों बिहार और उत्तराखंड में भी बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। और वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। विपक्षी कांग्रेस ने वेई, नसीराबाद और सूरजगढ़ सीट पर जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी केवल कोटा सीट ही हासिल कर पाई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें जीती थी, तो उधर गुजरात में लगातार 12 सालों से सत्ता में आसीन बीजेपी को पहली बार गुजरात में उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। 11 की 11 सीटें कायदे से तो हमारी ही थी, हम उसमें 8 हार रहे हैं। अगर अभी रुझान में तो मान लो हम 5 भी हारते हैं तो हम मानते हैं कि हमारी हार है, लेकिन जनता का आदेश हमें स्वीकार है और इस हार से हमें सीखने का मौका मिलेगा। इससे आप लोकसभा के चुनाव का नहीं कंपेयर कर सकते। लोकसभा में एक अलग फैक्टर्स होता है और इसका इस तरह इस बार के लोकसभा में जीएल में एक अलग फैक्टर था, विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, कांग्रेस के कुकर्मों के चलते जो हमें मिला था। लेकिन स्टेट में जब चुनाव होता है तो वहां का भी लीडरशिप देखा जाता है। वहीं पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई है। भले ही गुजरात के 9 सीटों के रुझान में 6 सीटें बीजेपी को मिली है, लेकिन कांग्रेस के खाते में गई 3 सीट बीजेपी की ही थी। इस बीच वडोदरा लोकसभा सीट बीजेपी ने जीत ली है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार रंजन बेन भट्ट ने जीत हासिल की है। चुनाव तो आनंदीबेन के नाम से लड़ा नहीं गया, ये तो मोदी जी के नाम से ही लड़ा गया। सारे देश में बाई इलेक्शन में सभी जगह मोदी का ही नाम लेकर प्रचार भी किया गया। अमित शाह ने एक बात सही कह दी थी कि देखो चुनाव 2014 का जीते हैं हम, वो मोदी लहर पे नहीं, हमने जो भारत सरकार के यूपीए सरकार के सामने मुहिम चलाई उसकी वजह से जीते थे। मोदी लहर चलने वाली नहीं है, उनको ये महसूस हो गया था। तो ये इस दफा जो मोदी लहर का एक गुब्बारा चला गया था, वो गुब्बारा में बहुत बड़ा छेद पड़ा है और ये गुब्बारा धरती पर आ गया है। तो वहीं यूपी में बीजेपी के पिछड़ने पर विरोधी पार्टियों को हमला बोलने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार की 100 दिन की उपलब्धि का नतीजा सामने है। हम आभार प्रकटेंगे जनता का, जनता ने ऐसे वक्त पे समाजवादियों की मदद की है और जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है, और पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि विकास
और खुशहाली का रास्ता अपनाएं। तो उधर उपचुनाव के नतीजों से अब साफ हो चला है कि मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलने वाला मोदी मैजिक अब कहीं गुम हो चुका है। इससे पहले भी बिहार उत्तराखंड के उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए थे, तो जाहिर है कि ऐसे में बिहार में जो बीजेपी के खिलाफ लालू नीतीश और कांग्रेस की तिकड़ी ने महागठबंधन कर बीजेपी को रोकने के लिए बनाई थी, उसकी प्रासंगिकता अब राष्ट्रीय पटल पर भी उभर कर सामने आ रही है। और वहीं पर गौर करने वाली बात ये है कि भले ही यूपी में इस चुनाव को एसपी और बीएसपी ने साथ मिलकर न लड़ा, लेकिन बीएसपी का चुनावी मैदान से बाहर होना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा गिफ्ट साबित हुआ। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा के साथ गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो चलिए आपको बीजेपी की हार के कुछ बड़े कारण इस वक्त हम दिखा दें। पटना में उपचुनाव नतीजों की पड़ताल करने से साफ है कि क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में देश की मोदी को वोट देना था, लेकिन उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे। मोदी को वोट देने के जोश में लोगों ने जातीय समीकरण की भी परवाह नहीं की, लेकिन अगर हम अब बात करें तो उपचुनावों में जातीय समीकरण हावी दिखाई दिया। इसी के साथ यूपी में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह बीएसपी का मैदान से गायब होना रहा। बीएसपी के ना होने से एसपी को उसके वोटों का सीधा फायदा मिला, तो कमजोर कांग्रेस के कारण बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करा पाई। इसी के साथ यूपी में बीजेपी का कार्यकर्ता जो था वो अति आत्मविश्वास था से भरा हुआ था और इसी का शिकार वहां पर बीजेपी हुई। कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को खींचने की ज्यादा कोशिश नहीं की। तो यूपी में एसपी सरकार की पूरी मशीनरी उपचुनाव में जुटी हुई थी। अपराधों और अराजकता के कारण भी मीडिया के निशाने पर आए सीएम अखिलेश ने इस मौके को भुनाने के लिए जी जान लगा दी। तो सभी इलाकों में मंत्रियों ने वोटिंग कर डेरा डाल रखा था। इसी के साथ बीजेपी वोटर उच्च वर्ग के माने जाते हैं, लेकिन वो उपचुनाव में वोट डालने में ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। ऐसे वोटरों के ना पहुंचने पर वोट प्रतिशत गिरा, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। इसी के साथ यूपी में 2012 में विधानसभा चुनाव की तुलना में पता चला कि इन 11 सीटों पर 3 से 20% कम वोटिंग हुई। तो ये कुछ अहम कारण है। इसी के साथ राजस्थान और गुजरात में बीजेपी पिछले चुनावों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखा चुकी है और जाहिर तौर पर लगातार उसे बरकरार रख पाना संभव नहीं था। तो ये कुछ अहम कारण थे जिनकी वजह से आपको बता दें कि 9 राज्यों की 33 लोकसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी, जिस उम्मीद के नतीजे लोकसभा चुनावों में देखने को मिले थे, जो लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी, वही विधानसभा उपचुनावों में भुनाने में बीजेपी नाकाम रही है। चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अनिला सिंह इस वक्त जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता दुष्यंत कुमार शर्मा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चलिए अनिला जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जो नतीजे इस वक्त आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मुराद थी उसके एकदम विपरीत आए हैं। जो लोकसभा चुनावों के दौरान नतीजे देखने को मिले थे वो विधानसभा उपचुनावों में बिल्कुल नहीं है। क्या वजह आप मानती हैं कि 100 दिन में ही मोदी सरकार को लोगों ने नकार दिया? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये उपचुनाव है, कोई केंद्र के चुनाव नहीं है, तो यहाँ पे जो केंद्र का नेतृत्व है उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। ये उपचुनाव है, लोकल एजेंडाज होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, ठीक है। हाँ, ये हम स्वीकारते हैं कि जितनी हमें अपेक्षा थी उससे कम हमारी सीटें आई हैं और शायद समाजवादी पार्टी ने जितनी अपेक्षा की थी उससे कहीं ज्यादा उसको मिल गया है। तो ये चिंतन मनन करने का एक विषय है जिसको हम करेंगे, जिससे कि हम आगे की फुल प्रूफ रणनीति बना सकें और 2017 में इनको एक अच्छा करारा जवाब फिर से दे सकें। और जैसे आपने शुरू में भी कहा कि बीएसपी पार्टी जो थी वो बिल्कुल मैदान में नहीं थी, तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण रहा है, वोटर जो था उसको थोड़ा कंफ्यूज रहा है और डाइवर्ट हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो जैसी उसकी छवि है कि बहुत जोर जबरदस्ती करके हर चीज को वो हासिल करना चाहते हैं जी,
लेकिन तो ये चुनाव भी मैं आपको कहूंगी बहुत शासन प्रशासन के दबाव में ये चुनाव हुआ है जी। लेकिन अनिला जी, एक कहीं ना कहीं हार की समीक्षा करने की वजह आपके पास होनी चाहिए। एक अहम कारण मानकर चला जा रहा है कि 10 सीटें आपकी अपनी थी यूपी में, और उन 10 सीटों में से 7 सीटें आप गंवा चुके हैं। वो एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह मानकर चली जा रही है कि यूपी में जहां उम्मीदें लगाए बैठे थे लोकसभा चुनावों की, अगर हम बात करें तो 80 में से 73 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी, और अब विधानसभा चुनावों का जो नतीजा है वो एकदम उलटफेर है। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, 73 सीटें जो थी वो हमारी लोकसभा में थी। अब हम विधानसभा की बात कर रहे हैं और विधानसभा में भी उपचुनाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी ने अपना पूरा बल प्रयोग किया है वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, और यहाँ पे जो एक गरीब वर्ग का वोटर था जो दूर दराज गांव में रहता है, किस प्रकार से उसने एक डर के कारण, दबाव के कारण इनको वोट किया है, क्योंकि उसको पता है कि अभी 2.5 साल तो इसी सरकार के साथ काम चलाना है। नहीं तो जब लोकसभा के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे उसके बाद बहुत प्रताड़ित किया गया जनता को कि लाइट नहीं, बिजली नहीं, FIR नहीं लिखी जाती थी, और एक गांव की राजनीति तो एक जो राशन डीलर है वो चला देता है, प्रधान है वो चला देता है, और जो ग्रामवासी है उसको इन्हीं लोगों से सब काम पड़ता है। तो मैं तो कह रही हूँ और बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि बहुत दबाव में इस बार वोटर ने इन समाजवादी पार्टी को वोट किया है, कोई खुशी खुशी वोट नहीं किया है। आप ये देखिए ना, नोएडा में देखिए, लखनऊ में देखिए, कुछ हद तक आप सहारनपुर में देखिए, जो हमारा शहरी वोटर है जो किसी दबाव में नहीं है, वहां पे हमारे कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि यहाँ पर देखिए वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है ये जीत कर आई है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो ये बार बार ये जो बहुत बल्लियां उछल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, चलिए ये इनका मोमेंट है, बिल्कुल खुशियां मनाए, पर ये मैं फिर कहूंगी कि ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, कहानी अभी बाकी है, 2017 में भी हम देखेंगे। चलिए रमेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, वाकई ये दबाव में हुआ है सब कुछ या फिर जो हार के कारण रहे वो कुछ और रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं होगी, जिस उम्मीद पर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ी थी वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं नतीजे जो है उसके उलट पेड़ निकले हैं इस बार। देखिए अभी अनिला जी साहब बात कर रही थी जी। और वो बता रही थी कि प्रशासनिक दबाव में हुआ है, तो शायद इसका वो रेफरेंस देना भूल गई कि अभी राजस्थान में इनकी सरकार थी जी। और वहाँ भी इनकी 3 सीटें 4 में से 3 चली गई जी, लॉस ऑलमोस्ट 25%। ठीक है, नहीं नहीं मैं एक चीज जोड़ दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोटर्स को दबाव में नहीं लाती, ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जी। लेकिन अनिला जी, मैं जहां ये जीतते हैं वहां ईमानदारी से जीतते हैं, जहां हारते हैं वहां बेईमानी से हारते हैं। मैं अपनी बात बड़ा सुंदर विश्लेषण अनिला जी, जैसे मैं बात समाप्त कर दूं। चलिए राजकुमार जी, आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे पहले। मैं किसी पार्टी की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन जब अभी अनिला जी कह रही कि भाजपा और अन्य पार्टी में फर्क है, किसी जमाने में रहा होगा तो नहीं कह सकते, अब तो फर्क मिट गया, अब सारी पार्टियां करीब पर्सनलाइज हो गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पीछे आप ही दिखा रही थी सर्वे में कि मोदी की लहर है, भाजपा की लहर नहीं मोदी की लहर है जी। तो जब कहीं सोनिया जी की लहर चलती है, कहीं मोदी जी की लहर चलती है, कहीं मुलायम सिंह की लहर चलती है, तो डिफरेंस तो चला गया, तो पर्सनलाइज पार्टी हो गया। और चुनाव सभी पार्टी लड़ रहे हैं नेता पे, इनके पास भी अब कैडर नहीं है, लड़ रहे मोदी जी के नाम पर चुनाव, तो मोदी जीत के आए हैं। तो मैडम ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आप भी एक पर्सनल पार्टी हो गई हैं, अब डिफरेंस खत्म हो गया आपका, और बाकी रह गए किसी तरह से आपको डिफरेंस खत्म होंगे। आपके पास हर तरह के जितने भी बुराइयां हो सकती हैं, चाहे भ्रष्टाचार के, अगर इनके पास कलमाड़ी हैं तो आपके पास उद्रप्पा साहब हैं, इनके पास अगर और लोग हैं तो दिगड़ी हैं, आपके पास बलात्, तो अब ये समझ कीजिए कि आपके भ्रष्टाचारी कहाँ पे हैं और बलात्कारी कहाँ पे हैं और उनमें है मेरे पास नहीं, ये सभी आप लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है। और जो बीजेपी की तरफ लोगों की जो रुझान खत्म हुआ, उसमें बीजेपी की छवि धूमी लगातार होती जा रही है, एक वो भी कारण था, वोटर परसेंटेज कम हुए एक बात है, और अभी जो वोट पड़ा है चाहे वो कांग्रेस को मिला हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी को मिला हो या किसी को, वो पार्टी के खिलाफ मोदी जी के खिलाफ वोट गया है वो। तो आप आत्ममंथन करने के बजाय दूसरे पे लांछन न लगाएं, अपना आत्ममंथन करें कि आखिर इतनी कम समय में इतना ज्यादा नुकसान क्यों हो रहा है। बिहार से शुरू हुआ, उत्तरांचल में शुरू हुआ, बिहार में गया, राजस्थान गया, सारे चले गए। आत्ममंथन का समय है आपका, आपके लिए तो सीधे सीधे संजीवनी बनकर आए नरेंद्र मोदी, आप ही के अच्छे दिन आ गए, आप ही की ज्यादा सीटें, जो समाजवादी पार्टी लगातार शासन प्रशासन पर सवाल उठते आए थे
लेकिन उसका नतीजा आपको एकदम उलटफेर देखने को मिला। एक तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतना राजनीतिक शिष्टाचार और इतनी नैतिकता भी नहीं है कि जनता के निर्णय को स्वीकार कर सकें। अनिला सिंह जी बड़े आश्चर्य के साथ ये कह रही है कि जहां जहां ये चुनाव जीते हैं वहां तो पूरी ईमानदारी से चुनाव हुए हैं, नोएडा में, सहारनपुर में, लखनऊ में तो जनता बिल्कुल नहीं डरी समाजवादी पार्टी की सरकार से, और जहां 8 सीटों पर ये हारे हैं वहां जनता भयभीत हो गई थी, गरीब लोग वोट डालने नहीं आए। दूसरा, मैं इस विश्लेषण पर भी मैं आपत्ति करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के चुनाव न लड़ने का थोड़ा बहुत फायदा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को ही हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने स्पष्ट कह दिया था कि हमारा वोटर समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेगा, किसी को भी वोट दे दें। बाकायदा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भाषण में कहा था किसी को भी वोट दे दें, समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। सच्चाई ये है कि इस देश की जनता, इस देश में लोकतंत्र मैच्योर हो चुका है, इस देश की जनता विकास के और शांति के मुद्दों पर चुनाव में वोट देना चाहती है। जनता जो ये बहकाने वाले मुद्दे, फर्जी मुद्दे बना के भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसे, साक्षी महाराज जैसे लोगों को आगे किया, और कहीं लव जिहाद का मुद्दा, कहीं लाउड स्पीकर का मुद्दा, दंगे, झगड़े, वैमनस फैलाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की, जनता ने उसे नकार दिया पूरी तरह। राजकुमार भाटी जी, सीधे सीधे आपको बीएसपी का चुनाव न लड़ना भी फायदेमंद साबित रहा है, क्योंकि सीधे सीधे वोट जो दलित वोट रहा है वो आपके हिस्से में गए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नेता ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारा वोटर किसी को वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ बड़े कारण रहे हैं। लव जिहाद की अगर हम बात करें तो उसे भुनाने की लगातार कोशिश की गई है। महंगाई की बात करें तो 100 दिन में महंगाई खत्म करने की नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में जो इस वक्त नाराजगी है, इसके साथ बहुत ज्यादा आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें तो जो लोकसभा चुनावों में नतीजा देखने को मिला है उसका आत्मविश्वास से सराबोर कार्यकर्ता थे, तो जो वोटर थे उनको लुभाने की, उन्हें उन तक प्रचार करने की कोशिश ही नहीं की गई, और कहीं ना कहीं सीधा फायदा बीएसपी का भी मिला समाजवादी पार्टी को। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है, आप ही की 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है, क्या अहम कारण रहे हैं इन तमाम चीजों के बावजूद भी जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाटी साहब को बधाई देना चाहूंगी, उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और दूसरी सलाह देना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर हाई ना करें, भारतीय जनता पार्टी को शिष्टाचार सिखाने का कष्ट ना करें, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो है भरपूर तरीके से आत्ममंथन करेगी और मनन चिंतन सब करेगी कि चाहे वो उत्तर प्रदेश है और चाहे राजस्थान है, चाहे गुजरात है, कि अगर जिन सीटों पर हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, और जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे बीएसपी ने, अभी आपने भी कहा बीएसपी चुनाव में आई नहीं, कांग्रेस ने बहुत वीक कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन अनिला जी एक बड़ा सवाल, और सत्ताधारी पार्टी के बहुत सारे कॉजेज ऐसे रीजंस थे। अनिला जी, एक बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पर है कि तमाम कारणों के बावजूद भी बीएसपी नहीं थी, वो बात ठीक है, चलिए बीएसपी रही थी उसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की अपनी एक अलग छवि थी। प्रशासन की अगर हम बात करें तो लगातार यूपी में प्रशासन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, बावजूद इसके भी जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उसके कारणों की कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत है बीजेपी को इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं और मैं फिर कहूंगी कि जो ग्रामीण वोटर है उसने बहुत दबाव में आके वोटिंग करी है। अभी ये भाटी साहब कह रहे थे ना वोटिंग नहीं की, नहीं वोटिंग की है, वोटिंग की है, और कितने दबाव में की है। जैसे कहते हैं ना कि भैया पीछे आपने बंदूक लगा दी और बोला कि भाई मुस्कुराओ तुम, तो इनके हालत यही थी वहां के वोटर्स की, क्योंकि भाई अगर ये वोट नहीं करते समाजवादी पार्टी को, 2.5 साल अभी इनकी सरकार है, तो जो छोटे छोटे काम होते हैं इवन FIR दर्ज कराने तक के वो किया नहीं जाता। आप नोएडा में देख लीजिए, आज दिन भर लाइट नहीं आई है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जीत गई है तो आज दिन भर नोएडा में लाइट नहीं आई है। इस प्रकार के तो ये लोग हरकत करते हैं, तो एक आम आदमी जो परेशान हो जाता है सोचता है कि ठीक है जब फाइनल मैच होगा तो उसी में दिखाएंगे इनको। चलिए दुष्यंत जी, आपके पास आना चाहूंगी, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बाजी मारी है एक तरीके से कांग्रेस ने। देखिए, इतने कम समय में 100 दिन 110 दिन सरकार को हुए हैं और जो राजस्थान में जो रिजल्ट्स आए हैं वो अप्रत्याशित रिजल्ट हैं, और कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इस बात को समझे कि भाई वहाँ क्या ट्रेंड है। कभी भी मैंने देखा, इतने टाइम हमें सोशल वर्क में, राजनीति में है, लेकिन मैंने कभी इतनी जल्दी रिएक्ट करते पब्लिक को नहीं देखा।
अभी जो आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में हमारा एक भी मेंबर पार्लियामेंट पिछले दिनों नहीं जीता था, तो अभी जो चार सीट है, चार सीट में से हम तीन सीट जीत के वहाँ आए हैं। इवन उत्तर प्रदेश में भी हमारा प्रदर्शन हुआ है, वहाँ हम लखीमपुर खीरी जीत के आए हैं, सीट 11 सीट में से एक सीट हम जीत के आए हैं और शायद दो सीटों पर हम सेकंड भी हैं। मैं इस माध्यम, अब आप क्योंकि अपनी पार्टी का पक्ष रखना लीडर्स का काम होता है, लीडर्स अपनी पार्टी की बात कहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, बड़े प्रदेश में 11 सीट जो बीजेपी की ही थी, उनमें से 9 सीटें निकल जाना, खाली तीन सीटों पर बीजेपी का रह जाना, ये एक मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उसकी लोकप्रियता में क्यों कमी इतनी आई और क्यों इतनी जल्दी एकदम पार्लियामेंट में इतना बहुमत दिया और पूरे बहुमत से सरकार बनवाई, उसके बाद में एकदम 8-9 सीट से हरा देना, वो बड़ी बात होती है जो बीजेपी की सीट। उसका कारण जो है, वो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो इन्होंने पोलराइज करने, जो कम्युनल इलेक्शन किया, उसको वहाँ की जनता ने पसंद नहीं किया जी। चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात रही हो, चाहे वो दूसरी जगह की बात रही हो, चाहे साक्षी महाराज का बयान रहा हो और चाहे योगी आदित्यनाथ जी का बयान रहा हो, उससे वहाँ की जो जनता थी वो परेशान हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश इससे आजीज आ चुका है और मजबूरीवश जब उन्होंने देखा कि भाई ये लोग उसी जगह आ गए जहाँ ये थे और ये देश को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तीन वादे इन्होंने विशेष किए थे। इन्होंने कहा था कि भाई हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, इन्होंने कहा था हम आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा आपको देंगे, तो वो तीनों फ्रंट्स पे जो बीजेपी सरकार थी सेंटर में, वो पूरी तरह से फेलियर साबित हुई, क्योंकि सीमा पे फायरिंग भी डेली होती रही, इंट्रूडिंग भी होती रही और सार्क देशों को बुलाने के बावजूद हमारे रिश्ते जो चाइना से थे और पाकिस्तान से थे वो खराब ही हुए, इवन बातचीत तक बंद हो गई। और जिस नेपाल को लेकर नेपालीकरण की बात आई कि भाई हमने नेपालीकरण किया, हम जाके पशुपतिनाथ मंदिर में गए और वहाँ मोदी जी की जय हुई, भगवाकरण भी हुआ, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सारी नदियों का जो मुंह था वो हमारी तरफ को कर दिया और उससे हमारे जो वहाँ के लगे हुए प्रदेश थे, बिहार जैसे प्रदेश, वो डूब गए, उसमें वो नुकसान हुआ। तो उस पे भी जो सरकार थी पूरी तरह विफल हुई, खास तौर से सरकार महंगाई पे बहुत बुरी तरह विफल हुई, क्योंकि वो वादा किए थे कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। अब अगर ये अभी भी नहीं मानते हैं, अभी भी अपनी बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर ये आत्ममंथन करें या चिंतन करें। हकीकत ये है कि हमेशा जब कोई जो जहाज में डाउन, ये सेकेंड टाइम है, क्योंकि पहले जब 16 सीटों का उपचुनाव हुआ था तो उसमें भी ये दो ही सीटों पर जीत पाए थे, बाकी सारी पार्टी, एक सशक्त विपक्ष को, जो मजबूत विपक्ष था उसको जनता ने वोट किया, अभी इसमें भी, इस बाय इलेक्शन में भी 33 सीटों पे और पहले बाय इलेक्शन में भी। तो इनको समझना चाहिए इस बात को कि जनता का ट्रेंड क्या है। मैं ना उसमें मैं कोई दखल कर सकता हूँ, ना उसमें कोई और पार्टी दखल कर सकती है। इनका जो डिलीवरी है वो नहीं हो पाई है, जो इन्होंने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जो खास कारण है वो पोलराइजेशन कम्युनल करके इलेक्शन को, क्योंकि इनके जो लीडर्स थे उन्होंने उसको कम्युनल, चाहे एक लीडर चुप रहे, एक लीडर उसको अपोज करे और एक लीडर बोले। लेकिन दुष्यंत जी, वो तो सीधे सीधे आपके लिए संजीवनी साबित हुआ ना, आप और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए फायदेमंद ये साबित हुआ। देखिए मैं आप जो ये वर्ड संजीवनी बात कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि 68 ईयर्स के इतिहास में कांग्रेस, ये बीजेपी पार्टी एक बार आई सत्ता में, सेंटर में। उत्तर प्रदेश में कई बार आई, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही। और सबसे बड़ी बात एक और है कि ये इनका एक ऐतिहासिक रिजल्ट है कि उत्तर प्रदेश में इनको आउट ऑफ 73 सीट्स मिली पार्लियामेंट में जी। और जो सीट से आ रहे, 8 सीट आ रहे हैं ये अभी लगातार, 11 में से 8 सीट ये हार गए। तो मैं आपसे, ऐसी हार कभी नहीं हुई है, हमारी कांग्रेस पार्टी पहली बार इतनी बुरी तरह हारी है देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने लोगों को इतने बड़े स्वप्न दिखाए, इतना गुमराह किया और इतनी झूठी बातें कहीं कि जिनको ये पूरा नहीं कर पाए और जनता इस बात को समझ गई कि इन्होंने हमें झांसे में रखा। रमेश कुमार जी, अगर हम इन पूरी 33 सीटों की बात करें तो इन 33 सीटों में से 23 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और अब बीजेपी 13 सीटें गवा चुकी है इनमें से, यानी 10 सीटें बीजेपी को मिली हैं जबकि उसकी अपनी ही 23 सीटें थी। क्या लगता है आपको हार के कारण क्या क्या रहे होंगे? अगर हम अहम कारणों की बात करें तो जिस तरीके से दुष्यंत जी अभी बता रहे थे कि तमाम ये चीजें थी, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की हार नहीं मानकर चला जा सकता है। इस वक्त जो हार हुई है वो नरेंद्र मोदी की हुई है, क्योंकि मोदी लहर को भुनाने की लगातार बात की जा रही थी लोकसभा चुनावों के बाद। जी, मैं पिछले कड़ी में भी यही बात कह रहा था कि इसमें चाहे पार्टी जो भी कहें, बेसिकली ये जो मोदी बनाम अदर्स की बात थी, तो पर्सनलाइज पार्टी तो थी नहीं। मोदी जी लड़ रहे थे चुनाव, और अगर मोदी जीतने का क्रेडिट लेते हैं तो हालांकि क्रेडिट भी मोदी जी को मिलना चाहिए। आज 64वां उनका जन्म दिवस भी है। और सबसे बड़ी जो मंथन की बात है जी,
भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनकी सरकार है, कि वो उत्तर प्रदेश में जोर आप ज्यादा दे रहे हैं, जोर देने के बाद राजस्थान और गुजरात में जो उनकी सरकार है, और गुजरात से जहां से कि मोदी जी खुद आते हैं, मोदी जी आजकल गुजरात में ही हैं, और इसके बाद गुजरात और राजस्थान इनके हार जो है इनके लिए बहुत बड़ा सबक का वक्त है, बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। अब हार के बाकी कारणों अगर आप देखें तो अभी हमारे और वक्ता जो साथी हैं साथ में कह रहे हैं, एक तो मोदी जी ने आने के पहले उम्मीदों का एक उफान खड़ा कर दिया था, पहाड़ खड़ा कर दिया था कि पता नहीं हम महंगाई भी कम कर देंगे, बेरोजगारी भी खत्म कर देंगे और सब सारा मैजिक चलेगा, सब खत्म हो जाएगा। और आप ही मीडिया वाले कहते कि लहर चल रही है, मैंने कहा लहर नहीं है, बढ़त है। और बढ़त क्या थी कि 72 के 82 हुए, तो 300-400 सीट नहीं थी, लहर बढ़त थी खास। खैर, लेकिन मोदी जी के जब जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, 100 दिन हुए, अब 120 दिन हुए, और 100 दिन से बल्कि कम ही होते होते लोगों लगा कि भाई मोदी सरकार को हमने वोट देकर कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर दी, कुछ कुछ हानि रहा साथ में हाथ में, तो उत्तरांचल ने हारा, सरकार आते उत्तरांचल हार गए, चलिए बिहार में तो महागठबंधन था वहां हार गए, लेकिन यूपी में कोई बंधन नहीं था, कोई गठजोड़ नहीं था, राजस्थान में कुछ नहीं था, गुजरात में कुछ नहीं था, फिर भी हारे, तो उसमें इनको मंथन करना चाहिए। लो टर्न आउट हुआ, लोगों के उम्मीदें पूरी नहीं हुई, परेशानियां बॉर्डर पर, जैसा कभी ये कह रहे थे कि भाई बॉर्डर पे हमारे यहाँ परेशानी पहले भी होती थी, लेकिन लोग जम्मू से छोड़ के भाग जाएं, घर में बम गिरने लगे और लोग घर छोड़ के भाग जाएं, बंकर से में रहने लगे, दूर भाग जाएं, ऐसी नौबत नहीं आई थी। तो इन चीजों पे अभी भी काफी वक्त है और भी चुनाव होने हैं, तो मेरे समय से बीजेपी को भी अपना इस चीज पे सोचना चाहिए कि भाई आगे कैसे हो। एक हाइपर हिंदुइज्म भी यूपी में तो हारने के कारण था, हाइपर हिंदुइज्म एक हाइपर स्टेज में ले लेके उसको, दंगे पे दंगे, दंगे पे दंगे, और अभी सही कहते तो वो सब जो हाइपर हिंदुइज्म है, इनके कैडर की जो दबंगई है और बहुत तरह की बातें हैं, तो एक मैं पहले भी कहती इस तरह की जो कई लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं कि ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि लोगों ने इसको प्रशासन ने या शासन ने किया, जनता में एक निराशा आ रही है, उस निराशा पर कैसे रोक लगाएंगे, कैसे उनको आशा में बदलेंगे, ये भाजपा को सोचना है, भाजपा के सलाहकारों को सोचना है, और उनको इस बात की मंथन करनी चाहिए कि हम आगे इस तरह के हार का सामना करना ना पड़े। जी अनिरा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि 100 दिन में इतना बड़ा जो अंतर, इतना बड़ा जो चेंज नजर आ रहा है, उसकी वजह क्या लगता है आपको? और खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में बीएसपी को कारण माना जा सकता है, लेकिन राजस्थान में क्या कारण रहा? राजस्थान में भी वही नतीजा देखने को मिला, आपके साथ गुजरात में भी आप अपनी ही सीटें गंवा गए और अपनी सरकार के बावजूद। जी चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां हम हारे हैं वहां पे बिल्कुल समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा, कारणों को खोजा जाएगा किस वजह से ये हमारी हार रही है। और मैं अभी दुष्यंत जी की बात भी सुन रही थी और ये प्रदेश के चुनावों को केंद्र के नेतृत्व से जोड़कर देख रहे थे, और यही क्या सभी लोग केंद्र का जो नेतृत्व है उससे जोड़कर देख रहे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ऑलमोस्ट पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का राज था, और जब कांग्रेस सेंटर में थी, अभी जब पिछली सरकार भी चल रही थी, अब आप देख लीजिए कांग्रेस कितने प्रदेशों में राज कर रही थी। तो मैं फिर कहती हूँ कि जो केंद्र का नेतृत्व है उसको आप प्रदेश से मत जोड़िए, प्रदेश के अपने लोकल मुद्दे होते हैं, अपने लोकल एजेंडा होते हैं, वहां पे जो भी पार्टी हारती जीतती है वो अपने लोकल कारणों से हारती जीतती है। तो जो केंद्र में पार्टी बैठी हुई है आप उससे आप लोकल एजेंडा को जोड़कर मत देखिए। और बार बार आप उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को घेर रही है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सामने से आकर अपनी हार स्वीकारी है, और उन्होंने कहा है कि सब चीज की समीक्षा होगी और आगे के लिए हम बिल्कुल सारे जो कमियां हैं उनको खत्म करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं, और रादर हमें चिंता है अपने प्रदेश की कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो अपराधीकरण को बढ़ावा देती है। अनिला जी, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनका बीजेपी को नुकसान हुआ? अनिला जी, आपको नहीं लगता कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जिनका सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान हुआ? सबसे पहले लव जिहाद का मामला उठाया गया,
और लव जिहाद पर बोलने के लिए जो तमाम नेता थे वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। इसी के साथ बेतुकी बयान माफ करिएगा भारतीय जनता, ये हमारे गृह मंत्री जी से भी पूछा गया था, उन्होंने बिल्कुल साफ नकार दिया था, और जिस नेता से भी पूछा गया है हमारे, उन्होंने साफ नकार दिया। लेकिन अनिला जी बेतुकी बयानबाजी से आइए, शुरू करिए, ये आप जानिए, ये भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली नहीं है जी। लेकिन अनिता जी, बेतु की बयानबाजी से तो आप मुंह नहीं मोड़ सकती, जिस तरीके से गोवा के मंत्री ने बयान दिया, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात लगातार की गई, तो लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनावों में सेक्युलर जो एक राजनीति जो देखी गई, उससे कहीं ना कहीं लुभा पाने में बीजेपी कामयाब रही लोगों को, लेकिन बीजेपी में वो कहीं ना कहीं दाव नहीं खेला जा सका बीजेपी की ओर से। देखिए, अगर कोई अपना व्यक्तिगत मत रखता है जी, तो उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी लाइन है, मैं उसको बोल सकती हूँ और बता सकती हूँ। ना हम लव जिहाद की कोई बात करते हैं, ना हम किसी प्रकार के कम्युनिज्म की कोई बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है और उसी पर हम कायम रहेंगे। गुड गवर्नेंस और विकास, डेवलपमेंट, वही है। उसी उत्तर प्रदेश में भी हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 2017 में आमने सामने आएंगे और फिर देखते हैं कि मैंडेट किस पार्टी के साथ है। चलिए राजकुमार भाटी जी, आपको क्या लगता है कि इन्हीं मुद्दों का बीजेपी को नुकसान हुआ और 2017 की जैसे बात की जा रही है, तो आपको 2017 में फायदा होगा? मतलब जो नतीजा इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसका जो भी 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कहीं ना कहीं असर दिखाई दे सकता है? समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में एक स्पष्ट एजेंडा है विकास का। समाजवादी पार्टी 2012 के चुनाव में एक घोषणा पत्र लेकर आई थी, जनता से कुछ वादे किए थे, मतदाताओं से जो वादे किए गए थे समाजवादी पार्टी उन्हें पूरा करने के लिए कृतसंकल्प। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के वादों की हम यह बात ही नहीं कर रहे, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो तमाम जो भी चीजें इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। हालांकि विधानसभा में उपचुनावों में उसके नतीजे जो है वो उलट फेर देखने को मिल रहा है। जो आपने सवाल किया मैंने जवाब उसका दिया, आप उसे नहीं सुनना चाहती तो आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से, उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है, कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। ये भारतीय जनता पार्टी का, विरोधी पार्टियों का कुप्रचार है, दुष्प्रचार है। उत्तर प्रदेश अपराध के आंकड़ों में मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहुत पीछे है, गुजरात के बराबर है। यह दुष्प्रचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ 22 करोड़ है जी। उत्तर प्रदेश के अपराध के आंकड़े वो गिनके और उनसे तुलना की जाती है जिन प्रदेशों की आबादी 4-4, 5-5 करोड़ है। अगर आप अनुपात में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 16वें-17वें नंबर पर आता है अपराध के क्षेत्र में। इस दुष्प्रचार को भी जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की गई है विरोधी दलों द्वारा और मीडिया को भी साधन बनाया गया उसमें। जो उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान बार बार किया गया है कि रेप प्रदेश है, बलात्कार प्रदेश है, अपराध प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं जितना उनका प्रचार किया गया है पूरे देश के। आप गृह मंत्रालय के आंकड़े देखें, जो समाजवादी पार्टी है उसके राज में बहुत ज्यादा जो किया जा रहा है, मीडिया को आप कहीं ना कहीं दोषी जरूर ठहराते हैं। आप हम देखिए, जो दोषी है वो जनता समझ रही है, जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है, जनता बहुत जागरूक है जी। आप ये पहले चलता था कि कोई झूठ बोलता रहे और जनता उस पर विश्वास कर ले जी। आप मेरे कहे पे विश्वास मत करिए, आप गृह मंत्रालय के आंकड़े लीजिए। चले राजकुमार भाटी जी, आपकी प्रतिक्रिया आगे भी जारी रहेगी, हम लेंगे आपकी प्रतिक्रिया, आप जो भी कहना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें। तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और अगर हम विधानसभा उपचुनावों की बात करें तो बीजेपी को नतीजे जो मिले हैं वो उलटफेर मिले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अपनी ही 33 सीटों में से 23 सीटों पर काबिज थी और उनमें से 13 सीटों को गवा चुकी है। हार की समीक्षा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इन उपचुनावों के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ की क्या कुछ टिप्पणी है। यूपी में उपचुनाव के नतीजों ने सबसे बड़ा झटका बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ को दिया है। योगी को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी और पार्टी उन्हें 2017 के लिए सीएम उम्मीदवार के तौर पर आजमा रही थी। ऐसे में उल्टे नतीजे आने का असर उनकी उम्मीदवारी पर पड़ सकता है, इसलिए हार के बाद मीडिया के सामने योगी ने ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। चुनाव आयोग को जिस प्रकार से प्रभावी होना चाहिए था,
प्रदेश के मंत्री धड़ल्ले से चुनाव आयोग के आचार संहिता का की धज्जियां उड़ा रहे थे, शासन प्रशासन की उसका दुरुपयोग कर रहे थे, कोई कंट्रोल नहीं था। हर विधानसभा क्षेत्र में चार चार पांच पांच छह छह मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उनको न्याय पंचायतें बांटी गई थी, खुल के पैसे का और सरकारी योजना का दुरुपयोग हो रहा था। चुनाव आयोग उस पर तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। बीजेपी को यूपी में 11 में से 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, जिन 3 सीटों नोएडा, लखनऊ ईस्ट और सहारनपुर में बीजेपी जीती है, उनमें से 2 पर आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। योगी ने इसका क्रेडिट भी लिया है। हम लोग देखे, जहां मैं गया था दोनों जगह हम लोग जीते हैं, नोएडा लखनऊ दोनों बीजेपी जीती है। योगी ने एसपी पर धांधली और सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप भी चढ़ा है। उपचुनाव अधिकतर की परिणाम जो सामने होते हैं वो अब स्टेट गवर्नमेंट उस पर काफी हद तक हावी होती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट बेशर्मी पे उतर आती है तो। यूपी में बीजेपी के हार के बाद पार्टी में उनको आगे बढ़ाने की मुखालफत कर रहे नेताओं को उनकी टांग खींचने का मौका भी मिल गया है। साथ ही उग्र हिंदुत्व के रास्ते आगे बढ़ रही पार्टी को अब अपने फॉर्मूले पर दोबारा सोचना होगा। सुदेश न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो 13 सितंबर को हुए उपचुनाव में मोदी मैजिक बरकरार नहीं रख पाई बीजेपी और उसका ठीकरा चुनाव आयोग के सर पर फोड़ते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। चलिए चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करती हूं राजकुमार जी, और आपसे जानना चाहती हूं, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया गया, कहा गया कि बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप वहां पर पहले से ही लगते आए हैं, और अब फिर से एक बार समाजवादी पार्टी को इसके लिए दोषी ठहरा दिया गया। देखिए, चुनाव के दौरान एक भी बूथ पर कहीं किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने कहीं कोई शिकायत नहीं की कि यहां पर जबरदस्ती हुई, और केंद्रीय सुरक्षा बल लगे हुए थे, अर्धसैनिक बल लगे हुए थे, केंद्र ने भेजे थे, उनकी देखरेख में चुनाव हुआ, केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद थे जी। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले उसी शब्दों पर आना चाहता हूँ, इतनी शालीनता और इतना शिष्टाचार भी नहीं दिखाते कि जनता ने हमें नकार दिया, हम अपना उसका आत्मविश्लेषण करें। बेहुदा बेतुका आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद के सरकार के दबाव में, और एक बात कह रहे हैं बार बार कि जहां सरकार होती है सरकार के पक्ष में ही जाते हैं उपचुनाव के नतीजे, तो राजस्थान में और गुजरात में क्यों नहीं गए इनके पक्ष में? समाजवादी पार्टी ने क्या चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से चुनाव कराए हैं? और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से बहुत शालीनता से कहना चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र की पाकिस्तान में इमरान खान ने भी तारीफ की जब वो धरना दे रहे थे वहां। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत शालीनता से चुनाव हो जाते हैं, हारे हुए अपने घर चले जाते हैं, जीते हुए कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कम से कम इस देश के लोकतंत्र को बदनाम मत करो। इस बार बार ये आरोप लगा के, झूठे प्रचार करके, झूठे आरोप लगा के कि दबंगई से हुए, लालच में हुए, दबाव दे के हुए, बहुत निष्पक्षता से चुनाव हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की हार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा के चुनाव में नारा दिया था, अच्छे दिन लेकर आएंगे। अनिला जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगी इस पर? देखिए, मैंने अभी आप ब्रेक पे गई थी, उससे पहले मैंने कहा था कि क्यों प्रदेश के चुनावों को आप केंद्र के नेतृत्व को जोड़ती हैं, और मैंने उदाहरण भी दिया था कांग्रेस का। आज की तारीख में क्या सभी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी जब ये, या पहले थी जब ये केंद्र में थे? तो प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो अपने लोकल एजेंडे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, उसको आप केंद्र की सरकार से मत जोड़े जी। राजकुमार वाटी जी, सीधे सीधे आपसे सवाल किया अनिला जी ने। नहीं, वो कह रहे हैं केंद्र से नहीं जोड़े, हमने नहीं जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा था। रिजल्ट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और चुनाव प्रचार के दौरान ये बोल रहा था अपने भाषणों में, लगातार चैनलों पर, कि ये मोदी जी का जादू चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे, मोदी जी जो एजेंडा लेकर आए उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी कह रहे थे कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी चेतावनी है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहा चैनल पे कि अगर हमारी 6 सीट भी आ गई तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और चुनाव 2017 के बजाय 2015 में ही हो जाएंगे। और जब चुनाव परिणाम अब आ गए हैं तो ये कह रहे हैं कि ये कोई जनमत संग्रह नहीं था, इससे सरकार कोई प्रभावित नहीं होनी थी, ये केंद्र का परीक्षण नहीं था। ये निश्चित तौर पे जो भी चुनाव होते हैं उसके नेता और उसकी नीति दांव पे लगे होते हैं। ये मोदी जी की भी हार है, मोदी जी के एजेंडा की भी हार है, भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा एजेंडा है, जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, उसको जनता ने आईना दिखा दिया है। और जनता ने तय कर दिया है कि विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर जनता वोट दे सकती है, ये लव जिहाद और सांप्रदायिकता और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जनता वोट नहीं देने वाली है। और
उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मैं एक शायर की मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने नारा दिया था कि गरीबी हटाएंगे अच्छे दिन लेकर आएंगे, ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए, और जिनके चेहरों पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए, और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। तो ये भी सवाल है कि ये गरीबी हटाने का नारा देकर और फिर उसे सांप्रदायिकता का रंग दे रहे हैं, इसको भी जनता ने आईना दिखा दिया। अनिला जी, आप क्या कहेंगी, सांप्रदायिकता की बात यहाँ पर की जा रही है जिसके लगातार यहाँ पर बनाते, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार सीधे सीधे यूपी में बीजेपी पर आरोप लगते आए हैं सांप्रदायिकता फैलाने के लिए। सांप्रदायिकता की बात हो, तुष्टिकरण की राजनीति की बात हो, चले अनिला जी आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन फिलहाल दुष्यंत जी आपसे जानना चाहती हूं कि जो उपचुनावों में नतीजे देखने को मिले हैं वो क्या है, नरेंद्र मोदी की उसे हार कहेंगे, क्योंकि जिस मोदी लहर की लगातार बात की जा रही थी वो मोदी मैजिक यहाँ नजर नहीं आया, या फिर सीधे तौर पर बीजेपी की ये हार है। देखिए, एक बात आप लोग ये बात जानते हैं कि पिछले बार जो पार्लियामेंट में जो 2014 में अभी 3.5 महीने पहले जो मैंडेट मिला वो बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला, वो नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट मिला जी। उसमें वो पार्टी से बड़े नजर आए। आज उसी उन्हीं प्रदेशों में जहां इनकी सरकारें हैं, उन सरकारों में अगर वो बीजेपी पार्टी हार रही है या उनके कैंडिडेट्स हार रहे हैं तो वो फिर नरेंद्र मोदी जी की हार क्यों नहीं है, जबकि वो उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़े। और एक और बात, इनकी पार्टी के एक बड़े लीडर, अभी मैं सुन रहा था, आप लोग यहाँ सुनवा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जनमत संग्रह नहीं है, आप जनता के दिए हुए मैंडेट का अपमान करते हैं, डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं करते हैं। एक दूसरे लीडर कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि रामेश्वर चौरसिया साहब कह रहे कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी उसके कुकर्मों का फल है। भाषा देखिए आप, जो मैं कुछ हद तक इस बात से भाटी जी की बात से सहमत हूँ कि बड़ी सिविलाइज पार्टी है, सभ्यता का बड़ा दम्भ है और देश को एक सूत्र में बांधने की बात करती है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो मैंडेट मिला है इनको, वो इनको सांप्रदायिकता के खिलाफ मिला है, और इसमें सारे वो जगह शामिल हैं जहां जहां इन्होंने प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की है, क्योंकि वहां कोई कारण नहीं था दूसरा। और कभी ये उमा भारती जी को वहां एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाते हैं तो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, कभी अभी योगी आदित्यनाथ जी को लाए तो साक्षी महाराज जी ने भी बयान पीछे से दे दिया। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पूरे देश में जो हमारा जो देश है वो एक सुंदर गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर तरह के फूल हैं, उनसे मिलके भारत बना है, उनसे मिलके हिंदुस्तान बना है, तो उसमें सामुदायिकता की जगह नहीं है, धर्मनिरपेक्षता के से ही हमारा देश बना हुआ है, जिसमें ये कहीं ना कहीं उसको उलझा के देश को समाज को बांटने की बात करते हैं। उसका नतीजा उत्तर प्रदेश विशेष तौर से है कि जहां पे ये 8-9 सीटें हार गए और वहां पे दूसरी पर इनसे इनकी झूठ से और इन्होंने जो गुमराह किया और कथनी और कड़नी में जो अंतर रहा उससे आजिज आके लोगों ने इनके अगेंस्ट वोट किया। ये दिस वाज द ओनली कॉज इन उत्तर प्रदेश। दूसरे कहते हैं कि जहां सरकार होती है वहां उस सरकार के प्रति पक्ष रहता है, तो गुजरात में बताइए ना, प्रधानमंत्री का प्रदेश है, 3 बार प्रधानमंत्री जी वहां से मुख्यमंत्री रहे, अभी 4 महीने पहले भी वो वहां प्रधानमंत्री थे, 3.5 महीने पहले प्रधानमंत्री थे, तो अचानक बीजेपी की वो सारी सीटें कम हो गए, प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट मैंडेट हुआ कि नहीं हुआ, और हमारी पार्टी जो वहां बहुत पिछड़ी हुई थी, हार रही थी, उस पार्टी को 3 सीटें वहां से मिली। राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में 4 में से 3 सीटें हमको मिली, कांग्रेस को मिली, तो इतनी जल्दी जनता का अविश्वास पैदा कर देना और जनता में अविश्वास पैदा सरकार की तरफ से हो जाना, ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है पार्टी को। मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास जवाब आएगा आपका कि हम अपनी पार्टी को अपने आप देखेंगे, आप ही लोग अपनी पार्टी को देखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी कभी जनता ने रिएक्ट नहीं किया। मेरा आप लोगों से ये कहना है, इस देश के लोगों से ये कहना है कि देश सांप्रदायिकता की आग में जाना नहीं चाहिए, देश बटना नहीं चाहिए, जो वादे आपने किए उन वादों को आप पूरा कीजिए। सबसे पहले आप महंगाई को कम करिए, दूसरा आप आंतरिक सुरक्षा की बात करिए, हर 22 मिनट में एक मर्डर हो रहा है, वो रेप हो रहा है, हर 18 मिनट में एक मर्डर हो रहा है देश के अंदर, और आप उन जगह की भी समीक्षा करिए जहां जहां प्रधानमंत्री जी गए। जापान की आप बात करते हैं, जापान हमारा स्वाभाविक साझेदार है, हमारे यहां 1072 कंपनी जापान के सहयोग से देश के अंदर चल रही है, मारुति उद्योग 80% अभी 83% था, 80% जो मार्केट है कारों का वो मारुति देखता है सर, 80 में वो आया था हमारे जापान से बहुत अच्छे समय, कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि देश के लोगों को गुमराह करना बंद करिए, हकीकत में आप आइए, जो बात आप कर सकते हैं वो करिए,
किसी तरह ऐसी भाषा मत बोलिए जिससे देश बटे, समाज बटे, क्योंकि जब देश नहीं होगा, समाज नहीं होगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? हम लोगों के लिए जगह। रमेश जी, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, आपको क्या लगता है कि कितना जो अब उपचुनावों में नतीजा देखने को मिला है, कितना असर महाराष्ट्र और हरियाणा में भी देखने को मिलेगा इसका? देखिए, जब एक लहर उल्टी चलती है तो उसका असर हर जगह होता है। तो इसका प्रभाव जैसे देखा उत्तरांचल से हुआ, फिर बिहार में गया, बिहार से फिर यूपी में आया, यहाँ तक राजस्थान और गुजरात में गया, तो इसके प्रभाव निश्चित तौर पे आगे भी पड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे यूपी की कि भाजपा की हार का, जैसे कि धर्म की राजनीति भाजपा करती है, जात की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, या आरजेडी करती है, जो जात की पार्टियां करती है। अनिला जी, आपसे जानना चाहूंगी, जाति और धर्म की राजनीति के आरोप आप पर लगते आए हैं, बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगातार लगते आए हैं, उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ा है उपचुनावों में। मैं जरा कंप्लीट कर लूं अपनी बातें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जाति धर्म की राजनीति तो होती रहती, खासकर काउ बेल्ट हिंदी हार्टलैंड में तो ज्यादा ही चलता है ये, लेकिन वो हारने और जीतने का बहुत बड़ा कारण केवल नहीं होता, उसके और कई कारण होते हैं। जी, जनता में जब निराश हो जाती है तो फिर कोई भी चीजें काम नहीं आती। और सही बात यह है कि जिस तरह से सरकार 2 महीने से काम कर रही है, उम्मीद को उफान खड़ा करने के बाद, सही बात है कि निराशा जनता में हो रही है। जी। और जनता जब निराश होती है फिर पार्टी देखती है कि भाई ये काम नहीं कर रहा, इसके खिलाफ जो आ रहा है चाहे वो उतना ही गंदा हो या उससे कम गंदा हो जाए, फिर उसको वोट दो। एक गुस्सा का भी प्रतीक होता है। तो जनता भाजपा की नीतियों से, चाहे देश नीति की नीति हो, आर्थिक नीति हो या विदेश नीति हो, उन नीतियों से निराशा हो रही जनता में। तो ये निराशा का नतीजा है, नहीं केवल कि धर्म और राजनीति के राज हो रहे, कई निराशाओं का ये प्रतीक होता है और वही प्रतीक परिणाम में मैं आपके सामने आता है। और आप फिर हरियाणा की बात कर रहे थे। देखिए, अभी मोदी जी के टाइम में 2 गलतियां मोदी जी के उपस्थिति में हुई है जी। उसके प्रभाव पड़ेंगे। मोदी जी की दोनों जगह, खास कर अभी यहाँ हरियाणा गए थे, उनके उपस्थिति में उनके कैडर ने वहाँ के जनता का चुने नेता का होर्डिंग किया, जिससे मैचलेस, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा गया था, मैचलेस एक हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन था जो नहीं करना चाहिए था। मोदी जी वहां थे, एक बार भी मोदी जी ने नहीं कहा कि हाँ ऐसा नहीं करिए आप, जो मोदी जी के खिलाफ जाएगा। मैं बता रहा हूं, ऐसा ही काम झारखंड गए, वहां भी हुआ हुटिंग आफ्टर हुटिंग। और आपके बैठे आप मंच पर बैठे हैं, आपके सामने आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, दुनिया में सारी बातें हो रही, आप मौन रहते हैं, मंच पर मौन रहते हैं। भाजपा कभी लफ्ज जिहाद करती, कोई दुनिया भर की बातें करती है, आप क्या आपके जवान बंद है? जनता जानती है कि सब कुछ आपके सारे पे हो रहा है और आप कोई कदम और ना कोई बयान दे रहे हैं। इसलिए आपको जो सारे चीजों की जिम्मेवारी आप लेते थे, आज भी जिम्मेवारी से काम कीजिए और जहां गलती हो बेहिचक माफी मांगिए। इनको इमीडिएटली हरियाणा से माफी मांगनी चाहिए थी कि भाई मेरे कार्यकाल जिसने भी गलती की हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं कार्रवाई करूंगा। झारखंड में करनी चाहिए थी। इसका कारण हुआ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनके फंक्शन में गए नहीं। तो ये चीज जो है, ये इस तरह के जो साइलेंट जो इंसल्टिंग है अदर पार्टी का, जनता तमाम जनता बहुत संवेदनशील है, मीडिया बहुत इफेक्टिव है आज की तारीख में। चलिए अनिला जी, अब आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी कि निराश हो चुकी है जनता 100 दिनों में ही नरेंद्र मोदी से, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी बीजेपी को देखना पड़ सकता है, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। और क्यों नहीं पड़ेगा, मंथन करें, ठीक करें अपने। जी अनिला जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। का नेतृत्व रखना चाहिए, उसका पाठ जो पढ़ाया जा रहा है, तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो मैंडेट खड़ा हुआ है इस भारत वर्ष का, आप उसको इतने हल्के में ना लें। और एक तरफ से आप नकार नहीं सकते 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड, सो कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड मैं कहूंगी, जो चला था मीडिया ने एट रैंडम जो है आम जनता से भी पूछा था, और आम जनता का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत पॉजिटिव था। और दोबारा बहुत मजबूती से मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रदेशों के जो उपचुनाव होते हैं उसको आप केंद्र से ना जोड़ें, ये बहुत अच्छी जी। चले, तो जो प्रदेशों के उपचुनाव होते हैं उसको केंद्र से ना जोड़ा जाए, अनिला जी ने कहा है। राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी उपचुनाव हुए हैं उसका कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे होते हैं उनको लेकर चुनाव लड़ा जाता है, उसका सीधा तौर पर जो विधानसभा चुनाव है उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता उपचुनावों की अगर हम इस वक्त बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जो
चुनाव होंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के साथ हरियाणा में भी हैं, तो क्या वाकई बीजेपी को जनता नकारेगी या फिर दोबारा से? जी, एक तो लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली उससे बहुत ज्यादा पार्टी उसे सहन नहीं कर पा रही, उसको उससे बौखला गई है जी। और इनका जो है बिल्कुल जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी को जो जनसमर्थन मिला उसको आप समझिए कितना जनसमर्थन मिला है, वो जनसमर्थन उलझुल हरकतें करने के लिए नहीं मिला है, वो किसी का अपमान करने के लिए नहीं मिला है, वो किसी समुदाय को किसी वर्ग को डराने के लिए नहीं मिला है, या किसी एक वर्ग के भारतवर्ष जो है लेकिन, जी, जी, अभी जी, जो हमारे साथी कह रहे थे कांग्रेस के साथी, ये भारतवर्ष एक गुलदस्ता है, ये सबका है। इसमें आप कभी हिंदू राष्ट्र की बात उठा देते हैं, कभी आप मुस्लिम विरोध की बात उठा देते हैं, कभी इनके एक कितने वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मुलायम सिंह जी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। चुनाव के दौरान में भी इनके एक नेता ने बयान दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। लेकिन लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपसे एक चीज कहना चाहूंगे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली का रास्ता जाता है, और वो शायद इसलिए नहीं क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, बल्कि इसलिए कि वहां की राजनीति में उलटफेर देखने को ज्यादा मिलता है। अब आप लोकसभा चुनावों की बात करिए, लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली और अब जनता ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया। देखिए, लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 10 साल का रिकॉर्ड जनता के सामने था और जनता को उस पर अपना मत प्रकट करना था। कांग्रेस के राज में ये सही बात है कि यूपीए 2 में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, कई मंत्री जेल गए, रोजाना एक घोटाला खुलता था और एक एक लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, दो दो लाख करोड़ के घोटाले खुले जी। और इनके नेताओं के भी बीच में कई उलझुल बयान रहे और इस तरह की घटनाएं हुई कि देश की जनता कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर विकल्प ढूंढ रही थी जी। विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आया, विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आया। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का आभा मंडल पैदा किया जी, जिस तरह का एक लोगों के सामने सपने दिखाए जी, और जी चले राजकुमार जी, आपसे भी माफी चाहूंगी, समय बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। वाकई लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, बीजेपी को सत्ता मिली, और अब का अगर हम बात करें तो अब के जो उलटफेर नतीजे देखने को मिले हैं वाकई अपने आप में चौंकाने वाले हैं। आप सभी लोग जुड़े, आपने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के सवाल पर एक नजर डालते हैं, तो क्या देश में मोदी लहर थम गई है? हाँ या नहीं भेज सकते हैं, जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो सवाल का जवाब दीजिए, आपके सवाल का जवाब अगले कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं कल के सवाल का जवाब। हमने आपसे पूछा था कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट जाएगा, और इस सवाल पर लोगों की राय हम आपको बताते हैं। 11% लोगों ने हां का जवाब दिया है, जबकि 89% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो इसी के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।